तो दिस इज थर्ड लेक्चर ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशन आई गेस एंड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स राउंडिंग ऑफ। ठीक है, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि मतलब लगती बड़ी बेसिक्स ही है बट लोग सही रूल्स नहीं जानते और उनको अप्लाई नहीं कर पाते एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आता है। ठीक है, कई बार अगर वो कोई क्वेश्चन में आपको बोल दे कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर अप टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से करना है या राउंडिंग ऑफ करके टू डिजिट्स तक जाओ, डेसिमल के बाद टू डेसिमल प्लेसेस तक जाओ, तो ये सब चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तो एक छोटा सा लेक्चर रहेगा, फटाफट से करते हैं इसको। सबसे पहले कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स देखो, आप कोई भी कैलकुलेशन करते हो, कोई भी, मैं आपको कुछ भी इंस्ट्रूमेंट पे, मतलब मैं आपको बोलूं कि भाई मेरे को ये वाला वुडन ब्लॉक है, इसका डायमेंशन मेजर करके दो, तो आप जरूरी नहीं है ना कि आप बिल्कुल एक्यूरेट ही कर दो, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही इनएक्यूरेट करो। कहने का मतलब क्या है कि आप मुझे जो भी आंसर दोगे उसमें कुछ डिजिट्स ऐसी होंगी जिसके बारे में हम और आप 100% कॉन्फिडेंट होते हैं, है ना। बाकी चीजें और भी आ सकती है, वेरी करेगा फिर वो पर्सन टू पर्सन। तो देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स वही नंबर होता है किसी भी डिजिट में, मतलब नंबर समझो, नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो आप जिनके लिए कि हाँ ये तो बिल्कुल सही ही है, एक्यूरेट है बिल्कुल। जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतना ज्यादा आपका जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट होगा। ये सुनो, अब देखो यहाँ पे आपको तीन चार चीजें, दो चीजें ऊपर लिखी हुई दिख रही है, जैसे पहले लिखा हुआ है 12.345। इसका मतलब है जो इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किया कोई पर्टिकुलर उस लेंथ को मेजर करने के लिए, वो डेसिमल के बाद तीन प्लेस तक एक्यूरेट बता। ठीक है, अंदाजा तो आप कुछ भी लगा सकते हो उसके बाद का, लेकिन मैंने जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट लिया वो मुझे डेसिमल के बाद चार प्लेस तक सही बता रहा है, तो कौन सा ज्यादा एक्यूरेट होगा? सेकंड वाला। सेकंड वाला। अगर मैं आपसे बोलूं कि फिगर्स काउंट करके बताओ कितनी एक्यूरेट है, तो आप देखो फर्स्ट वाले केस में 1 2 3 4 5 एक्यूरेट है, सेकंड वाले में 6 एक्यूरेट है, तो एक्यूरेसी बढ़ी, सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ गए। समझ रहे हो वाली चीज? यस मैम। ओके, तो बेसिक था ये। अब इसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है, उनको समझते हैं। जैसे कि पहला रूल आपको ये बताता है कि नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। किसी नंबर में जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारी सिग्निफिकेंट होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई नंबर आ जाए, सपोज क्या आ जाए, सपोज 3 4 5 9, इस टाइप से कोई नंबर है, इसमें कितने प्लेसेस, कितनी नॉन जीरो डिजिट्स हैं? फोर। फोर, तो यहाँ फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अगर मैं आपसे बोलूं 3 4 5 9 0 0, अब कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? मैम फोर ही है, नॉन जीरो को काउंट करना है। बिल्कुल, नॉन जीरो डिजिट, लेकिन ये जीरो का ना बड़ा खेल है। देखो नॉन जीरो का समझ में आ गया, अब जब नॉन जीरो का हमको केस समझ में आ गया तो हमारे पास बचा क्या डील करने को? जीरो बचा। अब ये जीरो के बड़े नखरे हैं। जीरो को आप ऐसे समझो, तीन टाइप की आपको जीरो मिलेंगी, मतलब होंगी तो वो सारी जीरो ही, बट पोजिशन वाइज तीन टाइप में बांट दो। एक होंगी ट्रैप जीरो, ठीक, एक होगी आपके पास एंडिंग जीरो या ट्रेलिंग जीरो बोल देते हैं उन्हें, और एक होंगी आपके पास इनिशियल जीरो। अब समझते हैं इन सबका मतलब क्या। ठीक है, देखो आपके को सामने दिख रहा है ना, ओके एक मिनट रुकना बेटा, हाँ एक सेकंड। देखो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है ट्रैप्ड जीरो के बारे में कुछ लिखा हुआ है। ट्रैप्ड जीरो वो जीरोस होती हैं जो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में फंसी हुई हो, ट्रैप मतलब फंसा हुआ ना। तो अगर आपके पास कोई नंबर है समथिंग लाइक दिस कि 19 9 0 0 5, ऐसा कुछ है,
अब आप इन जीरोस को सिग्निफिकेंट काउंट करोगे, ठीक है। यहां पर अगर मैं आपसे पूछती ना कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, व्हाट इज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आप मुझे बता दें 1, 2, 3, 4, 5, 6, समझे। देखो वही लिखा हुआ है, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितनी भी जीरोस हैं, दे ऑल आर सिग्निफिकेंट। जैसे यहाँ 20.005 का, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक। ऐसे यहाँ पे देखो 1.10.05 है, तो इधर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब बात करते हैं इनिशियल जीरोस या लीडिंग जीरोस। इनिशियल जीरोस कभी भी काउंट नहीं होती, ठीक है। इनिशियल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। अभी चीजें देखो कंफ्यूजिंग होने लगी अगर ध्यान से नहीं समझोगे। यहां पे दे आर सिग्निफिकेंट, ठीक है, और ये नॉन सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। अगर मैं आपको दे दूं कि 0.004596, कितनी यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बेटा? 5। बिल्कुल, 1, 2, 3, 4 और 5, ये स्टार्टिंग की जीरोस काउंट नहीं है। ठीक, अब आपसे बोला जाए कि एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल। यहां पे नॉन सिग्निफिकेंट का भी केस है, समझ रहे हो, और सिग्निफिकेंट का भी केस है। नॉन सिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट में अब क्या मतलब, देखो यहाँ पे थोड़ा सा घुमावदार चीज होगी जो बाकी थोड़ा सा लाइक कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। आप अगर डेसिमल प्लेस के बाद देखते हो, ठीक है, आफ्टर डेसिमल प्लेस सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। यानी कि अगर मैं आपको एक नंबर दूं लाइक 0.3900, इसमें कितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट से ऑब्वियसली हमको समझ में आता है कि ये वाली, ये दो काउंट नहीं हो रही थी, सिर्फ ये काउंट हुई है ना, यानी कि इनिशियल जीरो सभी भी काउंट नहीं होंगी अगर वो ऐसे, ठीक है। देखो आप ऐसा बोल सकते हो कि मैम ये वाली दो जीरो जो है ये भी तो डेसिमल प्लेस के बाद है, तो आपने इनको क्यों काउंट नहीं किया? तो बेटा उसका रूल आप यहाँ पे देखो, इनिशियल जीरोस काउंट नहीं होंगे, समझ रहे हो। अब कुछ नंबर्स दूं लिख के, बताओगे उनके बारे में? जैसे कि पहला नंबर बताओ मुझे, बताओ कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पर। टाइम लेना और मुझे एक बार में लिख के दिखा देना, ऐसे कि 2, 3, 4 ऐसे करके सारी एक साथ, ठीक है। 15-15 हो रहा है, 15-17 तक बता दो। मैं बताऊं उसे,
देखो अगर मैं यहां पर काउंट करूं तो आप देख पाओगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये वाली ट्रैक है, ये वाली एंडिंग जीरो है, आफ्टर डेसिमल प्लेसेस सब काउंट होगा, ठीक है, इसलिए यू गेट दी सिक्स हियर। यहाँ पे ये तीन काउंट नहीं होंगे क्योंकि इनिशियल जीरोस है, तो 1, 2, 3 और ये वाली ट्रैक डेसिमल के बाद भी काउंट होगी, 5 आ जाएगा। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आएंगे, सब काउंट होगा क्योंकि ये जीरोस ट्रैक्ड जीरोस हैं, राइट? दीज आर द इनिशियल जीरोस, यू गेट ओनली 2 क्योंकि ये वाली आफ्टर डेसिमल प्लेस है और नॉन जीरो के आगे, ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, कई क्वेश्चन है। अब हम यहां बात करते फिफ्थ पॉइंट, ये कहता है कि अगर कोई नंबर आपको दिया हुआ है और उसका मैग्नीट्यूड मतलब ऑर्डर है, जैसे यहाँ पे 2.9 × 10³ है, तो 10³ इज नॉट काउंट, वी आर नॉट गोइंग टू काउंट दैट। अब इसका मतलब क्या होता है, ऐसे सोचो मैं आपको बोल दूं कि बेटा एक बात बताओ 1 किलोमीटर को आप क्या लिख सकते हो, तो आप बोलोगे कि मैम इसको हम 1000 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है, 1000 मीटर को। अब मैं यहाँ पे मतलब क्या 10³ 3 मीटर लिख सकते हो, अगर मैं इसको काउंट करने लगूं तो यहाँ पे तो मेरे को 3 दिख रहा है लेकिन इधर तो 1 ही है, तो ये कैसे हो सकता है? अगर ये मैं 1 किलोमीटर के बारे में कॉन्फिडेंट हूँ तो वो किसी भी यूनिट में कन्वर्ट हो तो मैं वहां कॉन्फिडेंट रहूंगी ना, यानी कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज सपोज टू बी सीन व्हाइल यू आर कन्वर्टिंग द यूनिट्स, ये सुनो, ठीक है, यही हमारा कंसर्न है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट, बहुत प्यारी बात है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट की, प्योर नंबर्स आर कॉन्स्टेंट, या प्योर नंबर्स या कॉन्स्टेंट जो है इनकी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दे रखा है पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर, व्हाट इज द फॉर्मूला 4 × साइड, तो साइड जो है वो आप मेजर कर रहे हो, बट फॉर्मूला में 4 तो है ही ना, कितने कॉन्फिडेंट है उसके बारे में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कॉन्फिडेंट है उसके बारे में, आप इसके आगे कितना भी 0000 कुछ भी लगा दो इन्फिनिटी तक, वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, समझ रहे हो? Yes, ma'am. तो ये वाली चीज याद रखना। देखो ये वाली चीज मैं आपको बताई चुकी हूँ कि अगर आप यूनिट्स चेंज करते हो तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम रहनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन है, एक बात बताओ 2 किलोमीटर है ना, इसको आप सही मीटर्स में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे, कैसे लिखूं मैं मीटर्स में कि बिल्कुल एग्जैक्ट कन्वर्जन है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -3 मतलब 2 × 10⁻³ हो सकता है। एक मुझे मैं लिख रही हूँ, मुझे बताना इनमें से कौन सा सही है यार, एक मिनट रुकना। क्या बेटा आंसर? मैम बी। ए बिल्कुल सही बोल रहे हो, आंसर एक सेकंड, ठीक है आपने ये बोला, एक मैं ऑप्शन और दे रही हूं, ठीक है अब बताओ सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा सही है। अब आप कहोगे मैम सबका मतलब तो एक ही, एक ही नोटा को हटाकर सोचो थोड़ा कि इनमें से कौन सा सही होगा, और ये क्वेश्चन कंपटीशन में आया हुआ है,
3000, देखो इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स देखनी है। एक बात बताओ, यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? वन ना। यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे तो एक ही है। एक ही है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप एक बार यहाँ पर देखो, ये एक तो साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग है और दूसरा यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स भी सही है। अब आप ऐसे समझो कि साइंटिफिक, साइंस एक ऐसी चीज है जो दुनिया भर में हर जगह हो रही है, ठीक है? कोई एक ऑब्जर्वेशन दुनिया भर में हर साइंटिस्ट उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है। जब वो किसी एक पैनल पे बैठकर उसको डिस्कस करते हैं, तो सोचो मेरे कंट्री में तो चल रहा है कि एक वन लेंथ को, 1 मीटर को आप एक हाथ बोल दो, किसी के में चल रहा है कि कुछ भी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स चल रही है, ठीक है, सबकी अपनी घरेलू है। अब सोचो यहाँ पे बैठ के कितना केओस होगा। तो इसीलिए जो ये सिस्टम एसआई यूनिट्स वाले बोलते हैं ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इन सब ने कुछ कुछ चीजें फिक्स की हैं कि कहीं से भी आओ पर डेटा जो है आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। जो भी आपको, अगर आपका डेटा ये भी आ रहा है ना, तो इसको आप लिखो इस तरह से, समझ रहे हो? Yes, That's how you represent the data. तो हर चीज के हिसाब से 2 × 10³ is correct. अगर मैं यहीं पर इसी पॉइंट पर यहाँ पर 2.0 लिख देती ना, तब यहाँ 2 significant figures हो जाती। In that situation, आपको इनमें से ये वाला option select करना पड़ता, समझ रहे हो? और yes, अगर scientific notation आपको ना बताई जाए, तब आपके पास एक option होता A and C both का, अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स और साइंटिफिक नोटेशन का ज्ञान नहीं है, ठीक है? बाकी अगर ये वाला ऑप्शन ना दिखे और तब आपको एक सिलेक्ट करना आउट ऑफ दीज ऑप्शंस, तो गो विद दिस, ठीक है? ओके ओके, चलिए राउंडिंग ऑफ रूल्स बड़ी प्यारी चीज है। राउंडिंग ऑफ, हम सब यूज करते हैं ना एक वर्ड, लगभग कितना था, करते हैं अप्रोक्सीमेशन। एक बात बताओ, अगर आपके पास कोई नंबर है 2.7 लेट्स से 4, और एक नंबर है आपके पास 2.78, अब मैं कह रही हूं कि आप कोई इन दोनों नंबर को 2, मतलब डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक आपको उनको राउंड ऑफ करना है, क्या लिखो? मैम पहले वाला 2.7 होगा, दूसरे वाला 2.8 होगा। सिंपल है, हम ऐसा देखते हैं कि जिस भी फिगर को हमें राउंड ऑफ करना है, जैसे मुझे यहां तक राउंड ऑफ करना है, तो मुझे ये वाली फिगर देखनी पड़ेगी, ठीक है? सोचो मुझे यहां तक करना तो तब मैं इसको स्टडी करती, लेकिन अब मुझे कहां तक करना है, डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक, तो आई एम गोइंग टू स्टडी दिस। जिस भी प्लेस को आपको राउंड ऑफ करना है, अगर उसके बाद वाली डिजिट 5 से छोटी है, ठीक है, तब आप क्या करो, छोटी है तो उसको एज इट इज ही लिख दो, और अगर बड़ी है तो एक ऐड करके लिख दो। आई थिंक ये वाला सबको पता होगा, राइट? ठीक है, अब मैं आपको 3 चीजें लिख के दे रही हूँ, 2 चीजें सॉरी, एक है 2.752 और एक है 2.753। अब इसका क्या करें? पहले वाला का 2.75 होगा, दूसरे वाला का 2.76 होगा। वेरी गुड, मतलब आपको ये वाली चीज पता है कि अगर 5 के बाद इवन आता है, ठीक है, देखो यहाँ तक आपको डर नहीं था, मेरे को अभी भी यहाँ पे क्या करना था, मतलब आप समझो, मुझे यहाँ पे 5 के बाद या तो ऑड मिलेगा या इवन मिलेगा। अगर मुझे इवन मिलता है तो मैं एज इट इज लिख दूंगी, और अगर मुझे ऑड मिलता है तब मुझे एक बढ़ाना पड़ेगा, समझ में आया? Yes, ma'am. इस चीज को अगर किसी को नहीं आता तो प्लीज इस चीज को एक बार लिख लो कि ऑड के केस में इंक्रीज 1 और इवन के केस में रिमेन एज इट इज। एक बार ये वाली चीज लिख लो आप लोग, ठीक है? लिख लिया मैम। लिख लिया? अब इसके बाद एक बढ़िया सेटअप। हाँ बेटा,
मैम अगर 2 पॉइंट फर्स्ट वाले केस में 2.75 की 2 की जगह 8 होता तो फिर भी हम 2.75 लिखते। हाँ, 5 5 की बात की वाले केस में, लेकिन ध्यान रखना आपको उसको करना कहाँ तक है, मतलब क्या बताऊँ मैं, लाइक हमको उसको राउंड ऑफ कहाँ तक करना है। यहाँ हमें 2 डिजिट तक चाहिए था डेसिमल प्लेस की बात, ठीक है। अगर 3 तक जाना होता तो 8 के बाद जाते हम, फिर देखते कि 8 के बाद वाली सिचुएशन क्या है, बट अभी तो ऐसे करना पड़ेगा। 5 के केस में होता है ऐसा, ठीक ओके है। मैम, अब 5 के केस में एक और दिक्कत है, सोचो 5 के बाद आपको यहाँ 0 मिल जाए, तब क्या करोगे? अगर आपको 5 के बाद 0 मिल जाए तब आपको देखना पड़ता है कि 5 के आगे ऑड है या इवन, समझे क्या बोला मैंने? मैंने आपसे कहा कि मैंने आपको बताया 5 के बाद ऑड हो इवन हो तब क्या करना है। अगर 5 के बाद यहां पर आपको 0 दिख जाए तब आपको इस प्लेस को जज करना होता है। अब आप देखो यहां से आपको 2 सिचुएशन देखने मिलेंगी ना, एक मिलेगा ऑड 5 और इधर 0, एक देखने मिलेगा इवन 5 और 0, सही बात। जी जब आपको ऑड देखने मिले इन दैट सिचुएशन प्लस 1, ठीक है, और इधर नो चेंज। ऊपर वाले जैसे ही केस है ना। हाँ, अभी देखो एक एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एन एग्जांपल, सपोज आपके पास है 3.750, आप क्या करोगे इसको? हमें 1 प्लेस तक जाना है, 3.8, समझे? यस अगर मैं आपको दे रही थी 3.650, इन दैट केस दिस इज योर आंसर, कूल, मैम, 3.6। हाँ सही है। है ना? आपको पता है ऑड है मतलब 0 है तब क्या करना है, इवन है और सिंपल है तब क्या करना है। कुछ लोग बोलते हैं 0 और इवन तो एक बात हो गई तो यही वाला रूल लगा दो, लेकिन नहीं, यहाँ पर भी अगर ऑड है तब +1 होना है, ठीक है। यस मैम, चलिए, बाकी और डिटेलिंग में आपको इधर दिख जाएंगे सारी चीजें लिखी हुई, ठीक है, सब यहाँ पे एडेड है। अब बात करते हैं कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमेशा ध्यान रखना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन सबको जब भी आप मेजर्ड वैल्यूज, मतलब देखो एक एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। सोचो आप 5 लोग हो, मैंने आप लोगों से कहा कि आप मुझे एक ब्लॉक का मेजरमेंट निकाल के बताओ। आप में से 4 ने बिल्कुल सही निकाला, लेकिन 5 में निकाल लगभग इतना है, मतलब ठीक है इतना इतना है, इतने में मैं श्योर हूँ, इतने में नहीं हूँ, तो मेरे सारे रिजल्ट्स में एरर कितनी होगी? जो उस 5th बच्चे ने गड़बड़ करी है, क्या उससे बड़ी एरर हो सकती है? सोचो। हाँ, हो सकती है। नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। जो एरर है ना, देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन द लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। सबसे ज्यादा मेरे मेरे पास जो गड़बड़ी रहेगी ना, वो बस उसी एरर को लेके रहेगी। तो उस बच्चे ने जितना भी लीस्ट, जो भी उसने एक्यूरेट कर, जितना भी लीस्ट एक्यूरेसी उसने रखी होगी, उससे ज्यादा एक्यूरेट मैं नहीं कर सकती। अगर सोचो उसने 5% की मतलब ऐसी खाली मजे में कर दिया, उसने 5% की उसकी एक्यूरेसी कम है, तो मैं 4% कम एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे सकती, 5% का एरर रहेगा मेरे पास। समझ रहे हो कहने का मतलब ये था? जैसे दोबारा बता दो मैम। हाँ, देखो एक बार यहाँ पहले स्टेटमेंट पढ़ो, द रिजल्ट ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ मेजर्ड वैल्यूज, ठीक है, कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन द लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। सबसे ज्यादा जो लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट है, लेट्स से वो किसी 5th बच्चे ने करी, उस बच्चे ने उस मेजरमेंट में 5% की एरर करी, फॉर एन एग्जाम्पल,
मैं कभी भी उन सारे डेटा को कलेक्ट कर कर आपको ऐसा रिजल्ट नहीं दे सकती जिसमें सिर्फ 3% की एक्यूरेसी, वो 3% की एरर हो, 5% तो एरर है ही अब डेटा में, समझे? तो इसका मैं इसका देखो ये मतलब लिखा है कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन द लीस्ट एक्यूरेट पिक्चर. आया समझ में थोड़ा बहुत? ठीक है, लेट्स कम हियर. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. बेटा आप एक बात ध्यान रखना, एडिशन सब्ट्रैक्शन एक साथ चलेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अलग चलेगा. एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमेशा ध्यान रखो, एक बार स्टेटमेंट पढ़ो, द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज राउंडेड ऑफ द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विद द लीस्ट डेसिमल प्लेस. यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा आप एक काम करो, 2.24 किलो मैंगोस और 1.2 किलो लीची, इनको ऐड करके बताओ कितना है, कितना वजन आपने उठा रखा है. और मैं आपको बोलूं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना है, तो आप जो मुझे इसका आंसर करके दोगे ना, पहले तो आप नॉर्मली मतलब कैलकुलेट कर लो इतना आएगा ना, लेकिन आप जो मुझे आंसर करोगे वो मुझे आंसर करोगे 3.4. 3.4 क्यों करोगे? क्योंकि यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स थी बेटा? 3 थी, लेकिन यहाँ कितनी थी? 2 थी. दूसरी बात, यहाँ पे डेसिमल प्लेस की बात कितनी, डेसिमल प्लेस की कितनी रिजल्ट्स थी? 2 रिजल्ट्स थी और यहाँ पे 1 है. तो मुझे आंसर में भी पॉइंट के बाद 1 वैल्यू तक जाना है. अब एक बार स्टेटमेंट फिर से पढ़ के देखो. Yes, ma'am, आ गया. अब यहाँ पर हमें फोकस रखना है राउंडिंग ऑफ वाले रूल्स पर, ठीक है? जो राउंडिंग ऑफ के रूल्स थे ना उनका ध्यान रखना. यानी कि अगर सोचो मेरे पास क्या आ जाता, 3.48 आ जाता, तब आंसर क्या देते आप? 3.5, है ना? अभी 3.4 था, तो ये हमने ऐसे आंसर कर दिया, ठीक है? अब इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि पहला क्वेश्चन यही है आपके सामने. आपको ये दिख रहा है नीचे? यस मैम. यस मैम, दिख रहा है. ठीक है, बताओ उसका आंसर क्या होगा फटाफट से. मैम 1.48. वेरी गुड. देखो हमने क्या करा बेसिकली, ओके एक बार देखते हैं. देखो हमारे पास नंबर थे 0.331, 1.12 और क्या था बेटा थर्ड नंबर? 0.03. ठीक है, सबसे पहले हमेशा ध्यान रखो एक नॉर्मल एडिशन करो जो बेसिक एलजेब्रा कहता है आपसे करने को, ठीक है? जैसे कि यहाँ वो आपसे कह रहा है 1, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 3 1 4 और 1 इधर आ गया, ठीक है? ये बोल रहा है आपसे. अब बताओ सबसे कम डेसिमल प्लेसेस किस में है? इन दो में, टू है ना? यस ठीक है. तो अब आप समझ जाओ मुझे डेसिमल के बाद सिर्फ पॉइंट मतलब 2 प्लेस तक जाना है. यानी कि मुझे या बेसिकली राउंड ऑफ कहाँ करना है? इस वाले पॉइंट पे राउंड ऑफ करना है. अब बेटा इसकी बात क्या है, ये 1 है ना, 5 से छोटा, तो मेरा आंसर 4.8 ऐसे ही आ जाएगा. समझ में आया? ओके, एक क्वेश्चन और कीजिएगा बच्चे. ये देखो, ये बोला गया कि कोई वुडन बॉक्स है जिसका वेट है इतना, ठीक है? उसमें हमने एक डायमंड प्लेस किया जिसका वेट है इतना. आपसे पूछ रहा है सिस्टम का नया वेट बताओ कितना होगा, आंसर करो फटाफट से.
मैम 2 KG आएगा क्या? एक मिनट देखते हैं। मैम 2.7। सोचो ध्यान से। मैम 3 KG आ रहा है अगर राउंड ऑफ करेंगे तो। देखो मुझे एक बारी बताना क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। 1.4 KG है ना, ये तो हो गया यस वुडन बॉक्स का। आई होप ये इस पर हो। डायमंड की कितनी है? 1.4 ग्राम। 1.32 ग्राम्स है। दिस इज केजी। बेटा आपको यूनिट कन्वर्जन तो करना पड़ेगा ना। 1.32 का करोगे ना परसेंट से इसमें डिवाइड। बोलो यस तो मैम। 0.0132 कुछ ऐसा आएगा। यस मैम। अब आप इसको ऐड करो, हमेशा ध्यान रखना यूनिट सेम हो। इसको ऐड करोगे 0.40132 कुछ ऐसा आ रहा है। अब सबसे कम डेसिमल प्लेसेस किसमें है? इधर है। कितने तक है? 1 तक है। तो मैं जब इसे इतना मतलब राउंड ऑफ करना चाहूंगी तो मैं इसको देखूंगी ना, ये तो छोटा है, 1.4 ही आ रहा है। यानी कि राउंडिंग ऑफ में डायमंड के वेट का ज्यादा फर्क पड़ेगा ही नहीं। ये सुनो, यस मैम। तो अब ध्यान रखो ये वाली चीज, क्योंकि अब आपके पास मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आ जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको बस ये देखना होता है कि किस नंबर में जो आप वैल्यूज ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उनमें कितनी डिजिट्स हैं डेसिमल प्लेस के पास, मतलब डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, लीस्ट जिसमें है उतने तक आपको आंसर करना है राउंड ऑफ करके। इज दैट ओके? अब देखो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की क्या कहते हैं। ये बोलते हैं कि जो ये रिजल्ट है राउंड ऑफ होना चाहिए टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स पर ध्यान देना है। पिछली केस में आपने ध्यान नहीं दिया था सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, पिछली केस में आपने ध्यान दिया था डेसिमल प्लेसेस पे। यहाँ आपको ध्यान देना है कि कितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स सबसे कम है जिस भी इनपुट में, उतने तक आपको अपना आउटपुट जो है राउंड ऑफ करना है। समझ में आया? जैसे कि यहाँ पे आपके सामने एक एग्जाम्पल है 2.1 × 2.1, ठीक है? क्या है 2.1 × 2.1? इसको एक बार मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा इस तरीके से, है ना? 2 डिजिट आगे यहाँ लगा दिया तो 2.1 × 2.1 पे आंसर आ रहा है 4.41। एक बार बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है और इधर कितनी है? टू तो मुझे यहाँ भी 2 ही चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि मुझे इसके बाद राउंड ऑफ करना है। ये क्या है, 5 से छोटा, तो 4.4 आंसर आता है। समझ में आया? पॉइंट मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एक साथ चलेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन एक साथ चलेंगे, ठीक? अब देखते हैं आगे। मैंने लो आपको कैलकुलेट करके आंसर भी दे दिया, अब मुझे बताओ इसको सही से आंसर करो सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म में। थर्टी ओके, वेरी गुड। किसने आंसर दिया? थ्री मैन। बढ़िया। देखो बच्चों, हमें यहां पे क्या दिख रहा है, 142 पॉइंट कितना था? मैम ध्यान नहीं दिया, मैंने बस सीधा कैलकुलेट कर दिया। अच्छा, ये था हमारे पास, ठीक है? यस इसको जब मैम। हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 32.6728, 32.6728। बेटा यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है? मैम यहाँ पे 5 5 है। इधर कितनी है? तो टू आप टू समझ गए मुझे सिर्फ 2 प्लेसेस तक इसको करना है राउंड ऑफ। तो मैंने देखा कि चलो फर्स्ट प्लेस तो सही है, सेकंड प्लेस ये है, इसके बाद कौन सा नंबर है? 6। 6 5 से कैसा है? बड़ा है, तो राउंड ऑफ करोगे 33 आंसर आ जाएगा। आया समझ में बच्चों? यस मैम। ठीक है।
आओ अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं। हमें दिया हुआ है 0.90 अपॉन 4.26, ठीक है। अब बताओ इसका आंसर मुझे कि क्या आएगा, सॉल्व करो मुझे। बल्कि रुको मैं तुम्हें लिख के दे देती हूँ कि क्या इसका आंसर है। इट इज 0.21126, ठीक है। अब बताओ मैम, जीरो पॉइंट मैम वन 0.01। क्या रहा है बेटा? मैम 0.21। यस मैम, 0.21। बढ़िया, अब समझ में आ गया ना यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हुई। दो वेरी गुड, ये तो 0 को काउंट करना, एंडिंग 0 है। यहाँ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हुई? तीन थ्री। मैम तो अब सर मुझे जी यहां से भी करना है सॉल्व। तो यहाँ पे 0.21 है, इसको आप सॉल्व करो कितना आ जाएगा? मुझे यहाँ जीरो पे पॉइंट टू वन दो सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए ना सबसे कम, तो मैं यहां तक जाऊंगी। वन पे, वन के बाद देखो मैंने, वन है ये तो 5 से छोटा है। सिंपल आंसर आ गया 0.21, ठीक है। अब मैम एक बात मुझे बताओ, अब इसके बाद ना एरर एनालिसिस आती है कि एरर्स को ऐड कैसे करना है, ये सब कैसे करना है। तो आप एरर एनालिसिस और उसके बाद आते हैं वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज, तो इनसे क्वेश्चंस कंपटीशन में तो आए हैं, तो आप इनको करना चाहते हो या फिर मतलब कि बस इतना हो गया एरर करवा देंगे एरर करवा दूं? और वर्नियर और स्क्रू मैम, वो भी बता दो थोड़ा टाइम थोड़ा। बता ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो एरर एनालिसिस थोड़ा बहुत स्टार्ट करते हैं आज। मैम। देखो सिंपल सी बात है, कोई भी जो भी डायमेंशन है किसी ऑब्जेक्ट की, वो उसकी ट्रू वैल्यू है, ठीक है। आपने मेजर करा, वो कुछ ना कुछ अलग आनी है, तो वो जो डिफरेंस है वही एरर है। तो यहाँ लिखा हुआ है, नो मैटर हाउ हार्ड वी ट्राई, देयर इज ऑलवेज सम डिफरेंस बिटवीन द मेजर वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी, एंड दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एरर। उसी डिफरेंस को हम एरर बोलते हैं, ठीक है। एरर के कुछ कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट एरर। सोचो कि मेरे पास है, मैंने आपको बोला कि भाई एक ब्लॉक ले लो, ठीक है। ये ब्लॉक बड़ा फेमस है इसलिए ब्लॉक ही लेते हैं यूजुअली। प्रैक्टिकल आपने करे होंगे, ब्लॉक भी करे होंगे, है ना, वर्नियर कैलिपर वगैरह के करे होंगे। ये ब्लॉक मैंने आपको दिया, मैंने आपसे कहा कि मुझे इसकी बहुत एक्यूरेट आप मुझे निकाल के दो आंसर। तो आपने क्या करा, आपने उसको 10 बारी 20 बारी करके दिया। सपोज आपने मुझे डेटा दिए x2 x3 x4 और ऐसे करके x10 तक दिए, वेरी गुड। अगर कोई बच्चा मुझे x1 करके x20 तक दे रहा है तो ज्यादा एक्यूरेट मुझे यहाँ मिलने वाला है ना। पर चलो ठीक है, आपने 10 तक दिए, मैंने क्या करा इनका मीन लिया। अब मीन कैसे होता है, टोटल नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन उनका सम अपॉन नंबर ऑफ जी ऑब्जर्वेशन। ये जो भी मीन आया, अब इससे एक एक जो मेरी मतलब रीडिंग है वो कितना वेरी कर रही है, मतलब कि एक्स मीन -x1, एक्स मीन -x2, समझ रहे हो। ये जो डिफरेंस है इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। एक बार ही देखते हैं, हमने यहां से आपको मीन निकाला, मीन को हमने ट्रू वैल्यू मान लिया कि इतने सारे जो भी आपने ऑब्जर्वेशन निकाली है उनका जो मीन है लगभग लगभग वही ट्रू वैल्यू है। तो अब एब्सोल्यूट एरर क्या है, एक्स मीन -x1, एक्स -x2, ये मतलब मीन लिखा हुआ है यहाँ पे, समझ जाओ एक्स का मतलब एक्स मीन है। सबको निकालते जाओ, ठीक है। वो एरर आ गई उस पर्टिकुलर केस में, x1 की रीडिंग में इतनी एरर थी, x2 वाली रीडिंग में इतनी एरर थी, x3 वाली में इतनी थी, समझ में आया। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। बिल्कुल ऐसे समझो जैसे कि आपकी क्लास में, मैं बोलूं कि आपकी कोई क्लास है, उसमें सारे बच्चे ले लो, उनकी हाइट्स ले लो, हाइट्स का एवरेज निकाल लो। तो सपोज हाइट का एवरेज आया 4 फिट, है ना, 4 फीट। अब बच्चे जो है, जरूरी थोड़ी सारे 4 फीट वाले भी हो,
कुछ हो सकता है 3 फीट पर भी हो और हो सकता है कुछ 6 फीट पर भी हो सकता है ना, बट एवरेज लाई कर रहा है 4 फीट पे. तो आप अगर 4 फीट से 3 फीट जाओगे तो ये माइनस में है और इधर चलोगे तो प्लस में है. तो सिमिलरली एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. एब्सोल्यूट एरर समझ में आया? यस मैम. अब इसके बाद आती है मीन एब्सोल्यूट एरर. क्या बेटा कोई कुछ कह रहा है दोबारा बताने को या आ गया समझ में? आ गया ना? यस मैम, हमें तो आ गया. अब बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर की. तो जितनी भी आपने ये डेल्टा एक्स वन, डेल्टा एक्स टू, डेल्टा एक्स थ्री अप टू एन निकाला है, आप उन सबको ऐड करके उनका मीन निकाल दो, उसी को बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर. देखो जितने भी सारे नंबर्स थे उन सबका हमने मॉड्यूलस लेके मीन निकालना है. ये मतलब जब मैंने आपको बताया था ना कि एब्सोल्यूट एरर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन मीन एब्सोल्यूट एरर हमेशा पॉजिटिव ही होगी क्योंकि यहाँ पे जो हम वैल्यूज पुट करते हैं वो मॉड्यूलस के अंदर करते हैं. ठीक है? Yes. और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाँ बेटा ऐसे तो ऊपर वाले एब्सोल्यूट एरर में 10 डिजिट का एरर आएगा. तो फिर से बोलो क्या बोल रहे हो मैम. हम कह रहे थे कि आपने जो एब्सोल्यूट एरर बताया, जो हमने डेल्टा एक्स वन करके माइनस किया, तो वहां पर हमने डेल्टा एक्स 10 तक माइनस किया ना, तो सारे केसेस में अलग अलग आएगा, तो उसमें से कौन सा लेना है? नहीं, वो सारी एरर से वो आपसे फिर बोलेगा. देखो यूजुअली ना मीन एब्सोल्यूट एरर पूछी जाती है, पर अगर वो आपसे कोई बोले कि इस ऑब्जर्वेशन में कितनी एब्सोल्यूट एरर है तब आप निकाल सकते हो. ठीक है? वो हर चीज मीन एब्सोल्यूट एरर है. अगर मैंने डेल्टा एक्स वन लिखा है ना तो दैट इज मीन, दैट इज एब्सोल्यूट एरर इन मेजरिंग द एक्स वन. डेल्टा एक्स टू इट इज एब्सोल्यूट एरर इन एक्स टू. ठीक है? यस मैम. ओके. अब देखो ये हमेशा पॉजिटिव होता है. जब भी आपको कभी कोई एक्सपेरिमेंट आप करते हो, जैसे कि ये वाला एक एक्सपेरिमेंट था, आपने मुझे इसकी वैल्यू देनी है, तो आप इसकी वैल्यू ऐसे देते हो जो भी है, जैसे सपोज 10i प्लस माइनस डेल्टा एक्स. समझ गए ये क्या है? दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर. ये लिखने का तरीका होता है. हम कहते नहीं अपनी आम भाषा में कि 19-20 ऊपर नीचे 20-21 ऐसे बोलते हैं ना. तो वो यही है. ये प्लस माइनस का मतलब क्या है? 10 प्लस डेल्टा एक्स भी हो सकता है और 10 माइनस डेल्टा एक्स भी हो सकता है और इनके बीच भी लाई कर सकता है. ये मतलब होता है लिखने का. एक बार देखो इस चीज को कि हाउ टू राइट दिस एरर. तो 5 प्लस माइनस 0.4 इसका मतलब क्या है कि 5 प्लस 0.4 भी हो सकता है, 5 माइनस 0.4 भी हो सकता है. जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2 प्लस माइनस 0.01, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है 2.01 और मिनिमम जा सकती है 1.99, इनके बीच भी आ सकता है. समझ में आया? Yes, ma'am. अब इसके बाद हम पढ़ते हैं थर्ड टाइप ऑफ एरर विच इज रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर को आप फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हो. मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू. बेटा ये मीन वैल्यू ध्यान रखना, ये एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस अप टू एक्स एन अपॉन एन करके आई है, तो इनका रेशियो कहलाता है रिलेटिव एरर. इसे फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं. इन सारी एरर से इंपॉर्टेंट एक एरर होती है विच इज कॉल्ड परसेंटेज एरर, जो कुछ नहीं है फ्रैक्शनल एरर इनटू 100 होती है. ठीक है? समझ में आया? ठीक है. अब इसके ऊपर ना हम क्वेश्चंस कल करते हैं, इसको ये तक रखते हैं. कल हम इसके ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे और बढ़िया से इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे. ठीक है? ओके बाय बेटा. बाय मैम. बाय मैम. बाय बेटा.